से भी एक छोटी स्टोरी मेरे को याद आई जो मैं चीज सीखी। ये देखो एक स्ट्रगल वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम के 6:09 पे। दिन में काम होता है ऑफिस का, कॉल्स, मीटिंग। मैं सोचता हूँ वो दिखा के तुम्हें क्यों बोर किया जाए, तो इसलिए मैंने वो नहीं स्टार्ट किया उस समय पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है ना। और ये हमारा ऑफ मेरा गेटअप है ये। ऐसे मैं मीटिंग अपनी अटेंड करता हूँ मंडे और ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि मेरी टीम के साथ ही मीटिंग होती है जो कि वर्चुअल होती है। और आज जन्माष्टमी है, सिटी में लोग निकले हुए हैं। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस, मेरा फेवरेट है ये वासुदेव के दिन को मैं बोलता हूँ, जिनका एक निक नेम है कृष्णा। एक टाइम पे कई लोग होते हैं जो इन रिचुअल्स को मानते हैं और कई लोग हैं जो नहीं मानते, तो मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो मानते हैं और जो नहीं मानते, दोनों की अपनी एक रिस्पेक्ट है, इसलिए आर्गुमेंट नहीं करता मैं किसी से। थोड़े दिन पहले ना वन प्लस नॉट लिया था, नॉट टू, उसका कवर नहीं आ रहा है। उसका जो कवर है ना वो लेने के बाद थोड़ा सा येलो येलो हो गया, अब उसका कवर नहीं मिल रहा। उसका कवर देखेंगे, अगर मिल जाएगा तो आज फाइनली कवर मिल गया। ये रहा, लगवा भी लिया, मतलब लगा लिया लेके उससे, अच्छा है। अगर यही कवर वन प्लस के स्टोर से लो तो 1000 के ऊपर जाता है, बट यहाँ हमें मिल गया सस्ता। बोल तो 350 रुपये रहा था, बट 200 रुपये में दे दिया उसने। मेट्रो की लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी मुझे लग रहा है, हर चीज़ 100 कैपेसिटी पर कर दी। मेट्रो के गेट नहीं खोल रहे, बट हमें पता है कौन से स्टेशन से चढ़ना है जिससे कि हमें भीड़ कम लगे। सॉरी, व्हाट्सएप कॉल कर रहा है तो मैं उसको उठा लूँ, फिर आपसे दोबारा से ब्लॉक में कनेक्ट होंगे। मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, इस इनर सर्कल ने हमको बहुत कुछ सिखाया जब से मैंने यहाँ पर अपना ऑफिस लिया और यहाँ आने लगा। और फिर जब मैं ऑफिस से जाने से पहले एक मिडिल सर्कल में राउंड लेता था मेट्रो तक जाने के लिए धीरे धीरे वॉक करते हुए, तो मैं बहुत से लोगों को यहाँ से नोट करा। ऑफिस लेने से पहले भी मैं यहाँ पे ऐसे ही घूमने आता था एवरी डे, मतलब क्योंकि मैं ऑफिस ले चुका था, यहीं से बैठ कर अपना काम ऑपरेट करता था। तो यहाँ पे जो बैगर्स है ना, किसी मैं किसी को बैगर नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बैगर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो सोसाइटी है ना, सोसाइटी हर किसी चीज़ को ना एक नाम दिया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको बैगर बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक इंसानी आदमी लेके बात करता। तो जो बैगर्स यहाँ पे ना, उनको एक जगह फिक्स है, वो यहाँ बैठ के पैसे मांगे, वो वहाँ बैठ के पैसे मांगेंगे। और कई बार ना कई बैगरों से मतलब उनमें लड़ाई हो जाती थी, ये मेरी जगह थी यहाँ पे कैसे बैठ गया, वो मेरी जगह थी वहाँ कैसे बैठा है, वहाँ के यहाँ से, और तीन तीन चार चार लोग मारते हैं सबको यहाँ पर, जो इकट्ठे हो जाते हैं इनकी पूरी मतलब ग्रुप है इनका। तो और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कई लोग आए, कई लोग चले गए, आए और चले गए का कहने का मतलब ये है कि वो इस जगह के लिए लड़ते थे जिनकी वो जगह भी नहीं थी यहाँ पे, वो ठीक है ना, उनका कोई नाम था, बस वह बैठ जाते थे शॉप के आगे किसी पिलर के आगे और वो उस जगह के लिए लड़ते थे। आज वो चले गए, उस जगह पे भी कोई नहीं बैठता, पर वो उस जगह के लिए ना एक दूसरे के ऊपर ईंट जो भी उनके हाथ में होता था वो मार देते थे यहाँ पे उस जगह पे बैठने के लिए। और कई बैगर आए और चले गए, बहुत से लोग थे ऐसे जिनको मतलब काफ़ी सालों से नोट कर रहा हूँ कि अब दिखना ही बंद हो गए, मतलब क्योंकि वो मर चुके हैं। और जब लॉकडाउन कोरोना आया ना लॉकडाउन के बाद, तो दिखना ही बंद हो गए बिल्कुल, कुछ लोग तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, कुछ लोग तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। ऐसे ही ना ये चीज़ मैं दूसरों को नहीं बोलूँगा, लोगों को देखता हूँ प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं,
ठीक है, एक टाइम आता है वो चले जाते हैं प्रॉपर्टी छोड़ के, फिर दूसरे उस पर जो उनके पीछे फैमिली होती है वो बैठ देखती है उस प्रॉपर्टी को, शॉप देखती है। और उन चीज़ों के लिए ना आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन के बैठा रहता है ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं शायद आप मेरे ऊपर ले लो उन चीज़ों को, मैं दूसरों को क्या बोलूँ। तो ये लाइफ ना बड़ी कॉम्प्लिकेट सी रही। जब ये धीरे धीरे मेरे समझ में आई ना, तो मैंने कुछ चीज़ों के लिए ना बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया। इवन काम के अंदर भी, जैसे काम का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इवेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मेरे को, तो मेरे को मिल रहा होता कोई पीछे से आके थोड़ा सा भैंस वैस करता है ना, या आर्गूमेंट करता है, मैं ठीक है यार तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, खुश रह तू जा, मैं कुछ और देख लूँगा अपना। तो यार ये जो लाइफ में जो पीस और रिलैक्स होना सीखा मैंने इस इनर सर्कल से और बहुत सी चीज़ों से भी। एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आई जो मैं चीज़ सीखी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ें मुझे पता चलती रही टाइम टू टाइम स्ट्रगल के, अपनी स्ट्रगल के फेस में। और स्ट्रगल फेस क्या मतलब, ये भी जब तक जी रहे हैं तब तक स्ट्रगल ही है, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन स्ट्रगल ख़त्म होगा मुझे लगता है, तब तक स्ट्रगल चलता ही रहेगा। ये देखो एक स्ट्रगल, पॉलिश करने के 250-200 रुपये ले लेते हैं, और फॉरनरों से तो 1000-2000 रुपये लेते हैं, बेफ को बना देते उन्हें कई बार। अब घर जाएंगे, टाइम हो गया घर निकलने का, लोग भी अपने ऑफिस से निकलना स्टार्ट हो गए हैं।